अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन क्लास फर्स्ट। आई होप यू ऑल आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 112, चैप्टर नंबर 30, एटिकेट्स ऑफ स्लीपिंग। सो इंशाल्लाह टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एटिकेट्स ऑफ स्लीपिंग। अब हम देखेंगे हमें कैसे सोना चाहिए। सो हु क्रिएटेड द नाइट, रात किसने बनाई है। वाई शुड वी स्लीप, हमें सोना क्यों चाहिए। हु गिव अस स्लीप एंड मेक अस अवेक, कौन हमें नींद देता है और हम कैसे उठ जाते हैं। हाउ डिड अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लीप, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे। सो इन सारे आंसर्स को जानने के लिए लेट्स रीड आउट द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट। बिफोर गोइंग टू बेड शेक आउट योर ब्लैंकेट एंड डस्ट योर बेड वेल, सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले अपना ब्लैंकेट अच्छे से झाड़ें और अपने बेड को अच्छे से डस्ट करें, ठीक उसके अच्छे से डस्टिंग करें। ट्राई टू बी इन वुजू, बेड पे जाने से पहले वुजू में रहने की कोशिश करें और वुजू करके ही लेटें। कप योर हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ब्लो जेंटली इन टू दैम एंड देन रिसाइट सूर्य इखलास, सूर्य फलक एंड सूर्य नाथ, और हाथ दोनों जोड़ने के बाद उसमें सूर्य इखलास, सूर्य फलक और सूर्य नाथ दम करें। देन वाइप योर हैंड ओवर योर बॉडी एज फार एज यू कैन रीच, और अपने हाथ पढ़ने के बाद अपनी बॉडी पर फेरें, स्टार्टिंग विद योर हेड, और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने हेड से। डू दिस 3 times, और ये 3 बार करना है, एज़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू डू इट, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। देन लाई डाउन ऑन योर राइट साइड एंड से, और फिर सीधी तरफ लेटना है और कहना है बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, इन योर नेम ओ अल्लाह आई डाई एंड आई लिव। व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू बेड, ही वुड स्लीप ऑन हिज राइट साइड एंड प्लेस हिज राइट हैंड अंडर हिज राइट चीक। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो वो कैसे सोते थे, राइट साइड को करवट लेकर अपना सीधा हाथ अपने चीक के पास रखकर सोते थे, ठीक। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 113। Do not sleep lying flat on your face or on your stomach, अपने पेट के बल, अपने मुंह के बल नहीं सोना है हमें। Do not cover your face with a blanket even if it is cold, अपने मुंह को अपने ब्लैंकेट से नहीं कवर करना है, चाहे ठंड भी हो तब भी नहीं करना है। Keep your face uncovered so that you can breathe well, अपने चेहरे को uncovered ही रखना है, बिना ब्लैंकेट के रखना है ताकि हम सांस अच्छे से ले सकें। Never sleep naked, कभी भी बिना किसी चीज़ के नहीं सोना है, या तो ब्लैंकेट हो, कोई शीट हो, उसके साथ ही सोना है। नॉट स्लीप क्लोज टू योर पेरेंट्स, सिस्टर और ब्रदर, ज़्यादा करीब किसी के नहीं सोना है, ना ही पेरेंट्स के, ना ही सिस्टर के, ना ही ब्रदर के। प्लेस प्लो और बैरियर बिटवीन योर बेड्स, या और अगर सोएं भी तो प्लो बीच में रख कर सोएं, एक बैरियर बनाकर सोएं, रुकावट बनाकर सोएं। Go to bed early so that you can wake up early in the morning, और जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। Make a habit of getting up early, और सुबह उठने की आदत बना लीजिए, so that you can pray सलातुल फज्र on time, जिसकी वजह से आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे और इससे आप नमाज भी ऑफर कर सकते हैं फज्र की, और हमें करनी ही है। स्टूडेंट्स, वॉट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, एटिकेट्स ऑफ स्लीपिंग, है ना, हमें अपने बेड की अच्छे से डस्टिंग करनी है, वुदू में रहना है, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नाज दम करके अपने ऊपर हाथ फेरना है, ठीक। फिर सोने की दुआ पढ़नी है, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, और जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड को करवट कर लेटते थे वैसे ही सोना है, और अपना राइट हैंड राइट चीक पर रख के सोते थे, ठीक। अपने फेस को कवर नहीं करना है, फेस और स्टमक के थ्रू नहीं सोना है, ठीक। अपने फेस को अनकवर्ड रखना है, कभी भी बिना ब्लैंकेट, बिना शीट के नहीं सोना है, बैरियर लगाकर सोना है, बीच में अगर किसी के पास हम सो रहे हैं जल्दी सोना है, जिससे हम सुबह जल्दी जाग सकें और अपनी फज्र की नमाज अदा कर सकें, और हमें हैबिट बनानी है जल्दी सोने की। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर एट लीस्ट 2 times, ओके। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।